नमस्कार, स्वागत है किलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए देखते हैं किलांचल टॉप 10, जहाँ पे होगी देश और राज्य से जुड़ी प्रमुख खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्टीमोड हेड ग्रेनेड को भारतीय सेना को सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की सहायता से इकोनॉमिक एक्सप्लोरेसिव लिमिटेड द्वारा पहली बार बनाए गए मल्टीमोड हेड ग्रेड ग्रेनेड को भारतीय सेना को सौंप दिया है। रक्षा मंत्री ने इसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी का एक बड़ा उदाहरण बताया। कांग्रेस में हर तरफ कलह, अब छत्तीसगढ़ की गुटबाजी सुलझाने के लिए CM बघेल और TS सिंह देव से मिले राहुल गांधी। पंजाब का कलह अभी तक पूरी तरह से सिमटा भी नहीं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी गुटबाजी में खत्म करने की कोशिशों के तहत पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंह देव के साथ बैठक की। अफगानिस्तान संकट पर PM मोदी और पुतिन के बीच बातचीत, 45 मिनट तक हुई चर्चा। रूस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा हुई। रूस सरकार ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अफगानिस्तान की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने देश में शांति और स्थिरता की स्थापना, पूरे देश में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वती प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है कुंभ, CAG ने भी किया बेनकाब। कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने कहा, हमने यूपी सरकार का ध्यान आकर्षण विधान परिषद सदन में किया था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब CAG की ऑडिट रिपोर्ट ने सरकार के पारदर्शिता के झूठ को पुनः बेनकाब किया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार किए गए, CM उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। महाराष्ट्र की राजनीति में थप्पड़ प्रकरण के हलचल मचा रखी है। इस पूरे हंगामे में केंद्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, जिन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पहले इन्हें हिरासत में लिया गया था। नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिस पर राज्य के जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। शिवसैनिक इस बयान पर भड़क गए हैं, BJP दफ्तरों पर हमला कर रहे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक नारायण राणे के खिलाफ 4 FIR हो चुकी है। वही राणे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वे भी कानून जानते हैं। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पहले राणे को हिरासत में लिया, बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब खबर झारखंड से। यूनिवर्सिटी में टीचरों के 159 पदों को CM की हरी झंडी। मॉडल स्कूलों में भी होगी भर्ती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि जल्द ही 200 से ज्यादा उन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी जो लोकल भाषा से जुड़े होंगे। इससे पहले झारखंड सरकार ने राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए मुंडारी, खड़िया, हो संथाली, खोरथा, पंच परगनिया, बांग्ला, उर्दू, कुरमाली, नागपुरी, कुरुक और उड़िया जैसे स्थानीय और आदिवासी भाषाओं को माध्यम रूप से चुनने की सुविधा दी थी। उड़ीसा में आदिवासियों के लिए आंदोलन को धारदार बनाएंगे झामुमो, मोर्चे की अगुवाई पर लड़ेंगे सीबू और हेमंत। कलिंग नगर में जिंदल का स्टील प्लांट लगाना है, स्थानीय आदिवासी समाज में इसे लेकर विरोध है, उनमें विस्थापन का डर है। झामुमो के प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन सोमवार को उनसे मिलने जा रही थी, पर रास्ते में उड़ीसा पुलिस ने उन्हें 30 समर्थकों के साथ रोक लिया। अब झामुमो ने उड़ीसा में कलिंग नगर सहित अन्य जगहों पर विस्थापन और आदिवासी हितों के लिए धारदार संघर्ष करने का प्लान बनाया। झारखंड सरकार का कर्मियों को तोहफा, अब केंद्र के अनुरूप मिलेगा HRA। छठा और पांचवा वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा। झारखंड सरकार ने अपने कर्मियों के हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कर्मियों को अब केंद्र के कर्मियों के अनुरूप ही हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। इस आशय का फैसला आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। चूंकि कर्मियों का महंगाई भत्ता 25% का मार्ग पार कर गया है, इसके लिए हाउस रेंट अलाउंस खुद ब खुद बढ़ गया। लिए गए निर्णय के मुताबिक अगर महंगाई भत्ता 25% को पार कर जाए तो हाउस रेंट अलाउंस की दर तो बढ़कर 27%, 18% और 9% तय कर दिया जाएगा।
हेमंत सरकार गिराने की साजिश में शामिल तीनों आरोपियों को नहीं मिली बेल। हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रचने में शामिल तीनों आरोपियों की बेल को एसीबी की विशेष अदालत ने मंगलवार हुई सुनवाई के दौरान रिजेक्ट कर दिया। फिलहाल तीनों आरोपी अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इससे पहले रांची एसीबी के विशेष कोर्ट ने पहले हाफ में मामले के दोनों पक्षों की सुनवाई की और दूसरे हाफ में फैसला सुनाया। फर्जी वेबसाइट के जरिए झारखंड सरकार कर रही है रोजगार के दावे, सम्मानित पद भी शामिल, पूर्व मंत्री भी चकराए। रांची के चौक चौराहों पर करीब 10 गुना 10 फीट से ज्यादा बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर सीएम हेमंत सोरेन के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की तस्वीर लगी है। पोस्टर पर लिखा है झारखंड सरकार की नई पहल नया आगाज। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुनहरा अवसर, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। पोस्टर के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को सरकार और विभाग की तरफ से रोजगार के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसमें सावधि ऋण योजना, विरासत योजना, महिला समृद्धि योजना, कौशल से कुशलता योजना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना जैसे तमाम योजनाएं जुड़ी हुई है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।